मेरे छोटे भाई हैं और हमारे माननीय हमारे चाचा जी कथा पंडाल में पधारे हैं। इनका बड़ा आशीर्वाद और भगवान की कृपा से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इधर को आजा नीचे, और भगवान से निवेदन करते हैं और आपसे निवेदन है, ताली बजाकर हमारे छोटे भाई और हमारे परिवार से जो पधारे हैं उनका सभी सम्मान करें। बोली गोविंद भगवान की, बोली हरि भगवान की। प्रभु से निवेदन करते हैं कि प्रभु अपनी कृपा अपना आशीर्वाद हमारे अनुज भ्राता पर बनाए रखें। बोलिए गोविंद भगवान की, परिसंचरी दरबार की। और हमारे चाचा जी श्रीमान जगदीप सैनी जी भगवान की इस पावन कथा के अवसर पर 51 रुपए से हमारा सम्मान करते हैं। भगवान से कामना है भगवान की कृपा दृष्टि हमेशा इन पर बनी रहे। कथा प्रसंग की ओर ध्यान दें, समय कम है। इधर किस प्रकार से कंस का जन्म हुआ। कंस बड़े अत्याचार करने लगा है। अरे भैया, कभी किसी का सम्मान नहीं करता। और हमेशा इधर उधर घूमते रहता है। समय व्यतीत होने लगा। एक बार महाराज कंस जब अपने मित्रों के साथ खेल रहा है, एक यादव वंश से उसका मित्र आया। उसने अपने मित्र से पूछा, अरे लला का खाए क्या हो? मैं तो समोसे खाए का आया हूँ। समोसे खाए का हो? हाँ। अरे लला पल्ला वाला तू का खाए का हो? लल्ली मैं तो बहुत ही अच्छी चीज खाए का, बहुत ही अच्छी। कितनी अच्छी चीज खाए का? बहुत ही अच्छी। कितनी अच्छी? बहुत ही अच्छी। अबे कितनी अच्छी? बहुत ही अच्छी। क्या चीज का नाम नहीं है? लल्ली मैं नाम बता दूं, इनकी लाट पड़ जाएगी सबकी। है महाराज, इनकी सबकी लाट पड़ जाएगी। का खाए का हो? लल्ली मैं खाए का हो खीर। खीर काए का हो? खीर कैसे बनाते हैं? खीर कैसे बनाई तेरी मैया ने? मेरी अम्मा ने बहुत ही अच्छी चीज डाली, बहुत ही अच्छी। कितनी अच्छी चीज डाली? बहुत ही अच्छी। ये बहुत अच्छे का होते हैं? अरे अरे तेरे मन का डारो, तेरे मन का डारो, तेरे मन। लल्ली मेरी अम्मा ने डारे वहां में अखाने। अरे वो अखाने नहीं होते,
मखाने होते हैं। जाके अम्मा ने बताई खाए के तू आए हो कह रहे जाके अम्मा ने बनाई। मेरी अम्मा ने, मेरी अम्मा ने। और लल्ली आवे परे है आदम। ये आदम नहीं होता, ये बादाम होता है। महाराज मेरी अम्मा ने आदम बताए। आदम बताए, आदम नहीं बादाम। और लल्ली आवे परे का भरे महाराज आवे परे ही साबुनदानी। अरे साबुनदानी क्या होता है? साबुनदानी नहीं वो साबुन। महाराज मेरी अम्मा ने नहीं कही साबुनदाना। अरे साबुनदाना ही तो उसमें डलता है, तो साबुनदाना कैसे बोल रहा है? साबुनदानी कैसे बोल रहा है? चलो महाराज ऐसा होगी और का पढ़ो वहां। और महाराज वहां में परी है वहां परी पिलपिली। अरे पिलपिली का होते पिलपिली नहीं होगी, अरे वो होंगे किसमिस। महाराज मेरी अम्मा तो नौकरी पिलपिली है। अरे पिलपिली नहीं बोलते, उन्हें किसमिस बोलते हैं। चलो महाराज ऐसे। और महाराज और हम भरी मक्का के खीला। अरे मक्का के खीला नहीं होते वो। और महाराज क्या होते हैं? ओ होते हैं मखाने। और का डारो मेरे मान। और महाराज बामे पराओ, बामे पराओ काबरो रे बम को गोला। अरे बम गोला नहीं होता। तू वैसे हंस रहे हो, मेरी अम्मा ने बताई है बम गोला पराओ। अरे बम गोला नहीं वो गोला होता है। अरे महाराज मैं जब तो कह रहा हूँ खीर से ढूंढ ढूंढ फैला दी बो को गोला ना मिला। जब तो कहते हैं वो गोला होता है, बम गोला नहीं होता। और महाराज बामे परी चीनी। चीनी तो डलती है खीर में। और महाराज बामे परी हो दूध। अच्छा दूध भी डलता है। महाराज हमारे नाई भैंसिया। अच्छा अन्ना गैया तो काय तो बनाई को बोलो बकरी को दूध। बकरी के दूध से खीर बनाई का खा खा। अच्छा कितनी अच्छी लगी? बहुत ही अच्छी। कितनी अच्छी? बहुत ही अच्छी। जब कंस से इतना कहा, कंस ने कहा अपनी जीभ निकाल। जीभ ना निकाल रहा हूँ। क्यों ना? अरे जीभ निकाल कर दिखा। ना निकाल रहा हूँ। निकालता है या नहीं? ना निकाल रहा। अरे पता कैसे चलेगा कितनी अच्छी? दूध निकाल अपनी जीभ। अरे खा करके जी आया है, तू आया है। महाराज मैं जाके हाथ में धो के दूं, चाट का देख ले। अरे बदतमीज महाराज कैसे बोलते हैं? और मैं कैसे बताऊं? टेस्ट तो ऐसे मालूम पड़ा को महाराज। चल जीभ निकाल कर दिखा। इतने ही जैसे उसने जीभ निकाली, कंस ने उसकी जीभ को काट दिया। जय श्री राधे। कंस बड़े अत्याचार करने लगा है और आज वो रोता हुआ अपने पिता के पास पहुंचा। कुछ बोल नहीं पाया। सब जानते हैं कि ये सारी करतूत कंस ने ही की है। सारे यदुवंशी इकट्ठा होकर महाराज उग्रसेन के पास पहुंचे। कहने लगे महाराज आपका पुत्र इतने अत्याचार करता है, आज तो मेरे बेटे की जिभ्या ही काट दी। सारे यदुवंशियों ने जब ये कहा, महाराज उग्रसेन बड़े क्रोध में। इधर कंस अपनी सारी टोली के साथ आया और जब पूरी टोली के साथ वहां पर आया है, महाराज उग्रसेन उस समय एक निजी कार्य कर रहे थे। उनके भाई थे एक देवक, देवक की पुत्री थी देवकी के विवाह के लिए पंडित जी से कुछ
पत्रा दिखवा रहे थे। जिस समय कंस